बिहार के नवादा में दलित बस्तियों के 80 घरों में आग लगाए जाने पर पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार मामले की जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खुद मंत्री रत्नेश सदा को वहाँ भेजा है और सभी संबंधित अधिकारियों से दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा देने और पीड़ितों को आर्थिक मदद करने का आग्रह भी किया। नवादा में बहुत सारे लोगों को है, बड़ा प्रभावित हुए, पूरा राज्य मर्माहत है, देश भर के लोग मर्माहत है, माननीय मुख्यमंत्री खुद मर्माहत है, संवेदनशील व्यक्ति है। उन्हें जैसे जानकारी मिली अपने माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी को उन्होंने भेजा, गए, सारे पदाधिकारियों को टास्क दिया गया। घटना में जो लोग अपराधी हैं, जो लोग साजिश करता है, सबको गिरफ्तार किए गए, उसमें बचे हैं, कोई लोग बचेंगे नहीं। सारे लोगों को चुन चुन करके खोज करके और उनको जेल के शिकंजों में और निर्णय की स्थिति तक ले जाने का काम सरकार प्रशासन करने का काम करेगी। जहाँ तक उनको अभी सहायता की जरूरत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवेर में सारे लोगों को आवास के लिए, अन्य व्यवस्था के लिए चेक सबको मिल चुका है, चेक दिया गया है, समाधान कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे साजिश करने वाले लोग, ऐसे अपराधी लोग सुन ले, एक भी बचेंगे नहीं, सारे लोगों को जिम्मेदारी समाधान जाएगा।